वेलकम। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और दबाइए घंटी का आइकन लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। डेरा सच्चा सौदा की सर्च अभियान की पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो गई है। तलाशी के दौरान जांच टीम राम रहीम की गुफा तक पहुंच गई और कोने कोने की तलाशी ली। दोपहर 2 बजे जैसे ही गुफा का गेट खुला, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा परिसर में दर्जनों हिरण, राष्ट्रीय पक्षी मोर और बाघ के 2 शावक मिले। इसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार हिरणों, मोर और बाघ के 2 शावकों को वन विभाग की टीम पंचकूला लेकर जाएगी। कहा जा रहा था कि बाबा की गुफा 7 सितारा होटल से कम नहीं है, लेकिन जब गुफा के कपाट खुले तो अंदर का दृश्य, भवन और सुविधाएं चौंकाने वाली थी। डेरे से बिना नंबर की लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। इसके साथ ही 7,000 के पुराने नोट भी बरामद हुए हैं। सर्च अभियान के दौरान टीम को बाबा की गुफा से 5 लोग मिले हैं, जिनमें से 2 नाबालिग बच्चे और 3 बालिग है। नाबालिग बच्चों को बाल संरक्षण टीम को सौंप दिया गया व 3 अन्य को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। वहीं टीम को गुफा से एक वॉकी टॉकी भी मिला है।